Welcome to Amar Classes. Let's start. आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस का एक्सरसाइज 2B, और इसके पहले का वीडियो जो है एक्सरसाइज 2A का, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लेना। तो एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट 15p फ्रॉम 51p, मतलब कि 51p में से 15p को माइनस करना है। तो क्या आएगा हमारा, 51 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो 36p, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड में क्या है, माइनस 7x² फ्रॉम 3x², तो फ्रॉम वाले को पहले लिखते हैं, 3x² करना है हमको माइनस, माइनस ये क्या है, माइनस 7x², आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3x² माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 7x² इज इक्वल टू 10x². थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, माइनस 2ab फ्रॉम माइनस ab, तो जाएगा माइनस ab माइनस माइनस 2ab, इसका मतलब माइनस ab माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2ab। तो अब देखो माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा सीधा हमारा ab, ये हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे 1/2x फ्रॉम 1/3x, तो 1/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, एलसीएम नहीं होगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 यहाँ पे। अब इसके बाद देखो 3 2 6, तो 1 2 2x माइनस 2 3 3x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, माइनस 1/6x आंसर। अब देखो आते हैं हमारे यहाँ पे 8x² फ्रॉम माइनस x² y, तो माइनस x² y माइनस 8x² y, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि 9x² y, और साइन आ जाएगा माइनस का क्योंकि बड़े वाला माइनस का साइन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, माइनस x² माइनस माइनस 1/2x², तो अब देखो माइनस x² और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2x². ठीक है, तो अब देखो इसका एलसीएम तो आ जाएगा हमारा 2 1 2 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x², फिर प्लस और यहाँ पे 1x², मतलब माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/2x², साइन लग जाएगा माइनस का। अब देखवाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, 12x फ्रॉम 1/3x, 1/3x माइनस 12x क्या होगा हमारा, एलसीएम आएगा 3, 1x माइनस 1 3 12 3 36x इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, माइनस 35x/3। अब देखो आते हैं यहाँ पे 8 नंबर में है हमारा 5b माइनस माइनस 8a इज इक्वल टू 5b माइनस माइनस तो प्लस 8। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या यहाँ पे 0 माइनस 7ab, एक माइनस बाहर है ये माइनस के अंदर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 7ab, तो आंसर तो इसका वही आ जाएगा, 0 में से इतना प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7ab। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूज़ द हॉरिजॉन्टल मेथड टू सब्ट्रैक्ट, हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले है कितना, 13a प्लस 10b फ्रॉम 15a माइनस 5b, मतलब 15a माइनस 5b में से इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15a माइनस 5b में से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 13a प्लस 10b। अब देखो 15a माइनस 5b माइनस और प्लस तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 13a और ये माइनस प्लस, तो माइनस 10b। अब देखो 15a और 13a तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2a, 15 में से 13 माइनस हुआ तो माइनस 2a, सॉरी सिर्फ हो जाएगा 2a माइनस और माइनस तो हो जाएगा क्या प्लस 15b।
अब दिखाते हैं इसके नीचे, यहाँ पे माइनस का साइन बड़े में था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। अब आते हैं यहाँ पे 6x माइनस 4y माइनस 10x माइनस 4y। अब क्या होगा, 6x माइनस 4y माइनस 10x माइनस और माइनस तो प्लस 4y, यानी कि 6x और 10x तो प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस 4x, बड़े वाले में साइन माइनस तो यहाँ माइनस 4x माइनस 4y और प्लस 4y, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे ज़ीरो, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा माइनस 4x। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ये क्या है यहाँ पे 11xy माइनस 1 को माइनस करना, में माइनस करना है 9xy प्लस 5, क्या होगा यहाँ पे 11xy माइनस 1 और ये माइनस 9xy माइनस और प्लस तो माइनस 5, 11xy में से 9xy माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2xy और ये माइनस 1 और माइनस 5 तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 6, यहाँ पे माइनस और माइनस तो प्लस तो ये 5 और 1 6 और साइन माइनस का। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4 में माइनस करना है माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस ए को, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस और माइनस तो जाएगा प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस और प्लस तो माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो 6 और 1 7 ए स्क्वायर माइनस ए, तो माइनस ए का तो और दूसरा कोई है नहीं तो सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे माइनस ए, 4 और कोई ये भी नहीं है नंबर भी नहीं सिर्फ माइनस 4, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारा, व्हाट इज द बाइनोमियल दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6x माइनस 17y टू गेट द बाइनोमियल 3y। बोल रहे हैं ना कि इसमें से हम क्या माइनस करेंगे जो कि मेरा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, जो नंबर हमको इसमें से माइनस करना है उसको मान लो ना कि ले लेते हैं लेट द नंबर बी ए, उस नंबर को ए ले लेते हैं जो कि इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 6x माइनस 17y माइनस ए इज इक्वल टू 3y, कि मतलब इस इक्वेशन में हम ए को माइनस कर देते हैं ना तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो इसमें पता क्या करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि इसमें से हम क्या माइनस किए मेरा 3y आया। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, 6x माइनस 17y सब्सटीट्यूशन वाला जो ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं ये इधर आ जाएगा माइनस 3y, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस 3y इज इक्वल टू, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो अब देखो क्या होगा, 6x माइनस और माइनस तो प्लस, साइन रह जाएगा माइनस का बट होगा प्लस, माइनस और माइनस तो प्लस तो 17 और 3 20y इज इक्वल टू ए। तो यानी कि हमारा ए का वैल्यू क्या आया, 6x माइनस 20y, मतलब कि अगर हम इसमें से इतना को माइनस करते हैं तो मेरा आ जाएगा 3y, समझ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 5y फ्रॉम द सम ऑफ द बाइनोमियल्स x प्लस 7 एंड 3x माइनस 6y। बोल रहा है ना कि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से, तो सबसे पहले यहाँ पे सम कर लेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 6y, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x प्लस 7 प्लस 3x और ये प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस 6y। अब देखो x और 3x क्या हो जाएगा, 4x प्लस और माइनस तो जाएगा 6 में से 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा सिर्फ y। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों का सम आ गया हमारा 4x प्लस y। अब इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो 4x प्लस y माइनस 2x माइनस 5y, तो क्या आएगा हमारा 4x प्लस y माइनस 2x तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5y। इसका 4x और माइनस 2x तो आ जाएगा सीधा सीधा 2x प्लस और प्लस तो 4y प्लस 5y हो जाएगा हमारा 6y, ये हो गया इसका।